नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौर और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में साथियों सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अपना किसान आंदोलन। तो इस किसान आंदोलन के तहत हम बहुत अच्छे अच्छे किसान आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में एक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जिसका नाम है साथियों सिक्कर किसान आंदोलन, सेगावटी का किसान आंदोलन उसे ही कहा जाता है। तो लेते हैं अपन इस आंदोलन को, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है बहुत ही कम समय में, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से। मैं आशा करूंगा कि इस कक्षा में आप लोग इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को कंठस्थ कर लोगे, ठीक है। हाँ, और बेहतर तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारा संक्षेप में यहाँ पर कर दिया है, अगर आप इससे भी संक्षेप करना चाहते हो, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई स्किल है तो कर सकते हो। बस याद ये रखना है कि आपको याद रहना चाहिए, कोई भी चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को अपने नोटबुक में इसे तैयार करना है। ये अभी तो जो मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये तो मेरी मेहनत है, और जब आप अपने नोट में लिख लोगे, आप अपना नोट्स बना लोगे, तो वो आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं अपनी ये कक्षा। देखिए सेगावटी किसान आंदोलन लेते हैं सबसे पहले। देखो सेगावटी ही सिक्कर का मूल क्षेत्र यहाँ पर आता है, तो सेगावटी सिक्कर किसान आंदोलन 1922 से लेकर के, ये देखो कई जगह लिखा मिलेगा आप लोगों को 1922 से लेकर के 1935 तक, कई जगह मिलेगा 1922 से 1938 तक, और कई जगह आप लोगों को मिलेगा 1946 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1922 से 46 तक कि पूरा काल इसका साथ में आ जाए, ठीक है। अब लेते हैं साथियों इस आंदोलन की मुख्य बातें। सिक्कर मूल क्षेत्र यहाँ पर सिक्कर, देखिए 1922 आंदोलन शुरू 1922 में हुआ। 1922 एक चीज ध्यान रखना, वैसे 22 और वैसे बूंदी को मत भूलना, ठीक है। नानी नानी यानी नैनूराम दाबी सारी चीजें हैं, इकराम हुसैन सारी चीजें, वो भी ध्यान रखना। तो ये सिक्कर नया ठिकानेदार होता क्या है, देखिए किसान आंदोलन क्यों करते हैं, सीधी सीधी बात है, किसान आंदोलन का मुख्य रूप से कारण होता है करों में वृद्धि होता है, ठीक है। और किसानों की जो फसल है वो कम भाव पर बेची जाती है, इस प्रकार की स्थिति आती है। तो अपन लोग चर्चा करते हैं इन्हीं विषयों के और आगे बढ़ते, प्याज के जो भाव है वो भी कम होते हैं, ठीक है। तो एक समग्र ये जो किसान आंदोलन होता है लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्कर की बात करेंगे, यहाँ पर नया ठिकानेदार बना था कल्याण सिंह। जैसे ही ठिकानेदार कल्याण सिंह नया ठिकानेदार बना 1922 में, तो ये क्या करता है साथियों, करों में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। और वृद्धि कितनी, 25% से 50% कर देता है। 25% थे मतलब 25% से लेकर 50% किसाना यहाँ पर क्या कर दी गई, करों में वृद्धि कर दी गई। तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया, किसान इसका विरोध करेंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे। ये आंदोलन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखिए आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का नाम है हरलाल सिंह खर्रा और एक व्यक्ति का नाम है राम नारायण चौधरी। ये दोनों व्यक्ति हरलाल सिंह खर्रा व राम नारायण चौधरी, ये दोनों व्यक्ति यानी मुख्य रूप से आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि ब्रिटेन के डेली हेराल्ड में भी इस आंदोलन को क्या करवाया गया, प्रकाशित कराया गया। ब्रिटेन का एक न्यूज पेपर है जिसका नाम है डेली हेराल्ड, इसमें भी इस आंदोलन को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि एकमात्र आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो कौन सा है, सिक्कर किसान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अब आइए, जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का मतलब हो गया, सीधी सीधी बात हो गई, इस प्रकार हमारी संसद है उसी प्रकार इंग्लैंड में है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। तो इस हाउस ऑफ कॉमन में क्या किया गया, पैथिक लॉरेंस के द्वारा, यहाँ का सदस्य भी लिख सकते हो आप लोग ना, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य पैथिक लॉरेंस के द्वारा इस व्यथा को क्या किया गया साथियों, वहां पर उठाया गया, किसानों की व्यथा को वहां पर क्या किया गया, उठाया गया, जवाब तलब हुए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तो दोबारा सुन लीजिए, ये वहां पर क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी, और अंग्रेजों की सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो फिर अंग्रेज ही जवाब देंगे, और अंग्रेज आप लोगों को पता है इंग्लैंड के थे, तो आप ये भी सब जानते हो। तो ये भी प्रश्न और फैक्ट है आप लोगों का हुआ पूरा। अब देखिए यहां तक हमने किया कि 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स पैथिक लॉरेंस द्वारा उठाया गया, ठीक है। आगे देखिए मान सिंह द्वारा क्या किया गया, सिक्कर का प्रशासक बनाया गया, किसको, सिक्कर के प्रशासक यहाँ पर दो व्यक्तियों को बना दिया गया है, ध्यान रखना, एक तो ग्लेसी है ना, और एक का नाम है वेब, एक का नाम है ग्लेसी और एक का नाम है वेब, इन दोनों को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, ये इसी आंदोलन की परिघटना। आगे देखिए
1931 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना हुई 1931 में, क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना हुई और सरकार द्वारा इसका भी क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, दमन कर दिया गया। 1934, देखिए हम 1934 तक पहुंच चुके हैं, 31 के बाद हमने यहाँ पर बात की 34 की। ठाकुर देजराज सिंह जो कि भरतपुर के हैं, तो इन्होंने क्या किया, जाट प्रजापति महायज्ञ का क्या किया गया साथियों, आयोजन किया, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। तो इसी आंदोलन के तहत है, ध्यान रख लेना, क्षेत्रीय जाट महासभा 1931 और आपका ये क्या हो गया 1934, ठाकुर देशराज सिंह जाट प्रजापति महायज्ञ का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो बात क्या है, देखिए अभी अभी हमने इतनी तारीख पढ़ी है, 1922 पढ़ी है जो आंदोलन शुरू हुआ था, फिर 1925 पढ़ी थी हाउस ऑफ कॉमन्स वाली, उसके बाद की तारीख हमने पढ़ी 1931 क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना, और फिर 1934 ठाकुर देशराज सिंह, है ना, इन्होंने क्या किया, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। और देखिए अब देखिए सबसे अब आंदोलन ये अपना भयानक रूप लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ठिकाने द्वारा, यानी ठिकाना, यानी सिकर ठिकाना, ठिकाने द्वारा दमन चक्र, ठीक है, इस आंदोलन, है ना, ठिकाने की अगर अपन बात करें, ठिकाने द्वारा दमन चक्र में यहाँ पर अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो ये दमन चक्र की चार जो घटनाएं, चार प्रमुख घटनाएं हैं इस किसान आंदोलन से संबंधित है। चारों घटनाओं को पहले तो आप लोगों को सीधा कंटेस्ट याद होना चाहिए, है ना। एक घटना तो साथियों कटरा थलका महिला सभा, एक घटना है जय सिंहपुरा गांव की घटना, जय सिंहपुरा गांव की घटना, ठीक है, और एक है आप लोगों की खुड़ी गांव की घटना, और एक है आप लोगों के साथियों कुद्दन गांव की घटना। ये चार गांव की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों गांव की घटनाओं से ही आप लोगों का पूरा ये सिक्कर आंदोलन है पूरा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर बता दिए, और चार गांव की घटना अलग ले लेती है, अलग ले ली हमने चार, है ना, क्षेत्र चार घटना। देखिए पहली घटना गौर करके सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पहली घटना है कटराथल की महिला सभा, 25 अप्रैल 1934 को ये महिला सभा होती है, ध्यान रखना 25 अप्रैल 1934 को होती है। इसका नेतृत्व कौन करती है, किशोरी देवी, ये भी महिला है ना, किशोरी देवी, और ये किशोरी देवी किसकी पत्नी है, वाइफ ऑफ हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, ये इसका क्या करती है, नेतृत्व करती है। इस कटराथल की जो महिला सभा है साथियों, कुल 10,000 महिलाएं इसमें क्या लेती हैं, भाग लेती हैं, और इस, है ना, इस आंदोलन के अंदर एक महिला ओजपूर्ण भाषण देती है, उसका नाम है उत्तमा देवी, और उत्तमा देवी ठाकुर देशराज सिंह की क्या पत्नी है, तो ध्यान रखना उत्तमा देवी वाइफ ऑफ देशराज सिंह, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी हो गया पूरा। अब देखिए जयसिंहपुरा गांव की घटना, देखो कटराथल की बात हो गई, 10,000 महिलाएं यहाँ पर भाग लेती हैं, उत्तमा देवी क्या देती हैं, ओजपूर्ण भाषण देती है, नेतृत्व कौन करती है, यानी हमने अभी अभी चर्चा की किशोरी देवी की, जो कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। बात पूरी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह 25 अप्रैल 1934 की बात ध्यान रख लेना, 25 अप्रैल 1934 की बात ध्यान रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जयसिंहपुरा गाँव की घटना, जयसिंहपुरा गांव की घटना होती कब है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है 21 जून 1934 को, 21 जून है ना, 25 अप्रैल और यह है 21 जून 1934 को, इसके बाद की है, तो यह है डूडलोद के ठाकुर, डूडलोद के ठाकुर है साथियों, उनके छोटे भाई है, डूडलोद के ठाकुर के भाई है ईश्वरी सिंह, और ये ईश्वरी सिंह क्या करते हैं, किसानों के ऊपर हमला करवा देते हैं, किसानों के ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और चार किसानों की यहाँ पर हो जाती है मृत्यु, कितने की, चार की मृत्यु और 20 घायल। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप इस थोड़ी सी स्टोरी को याद रखोगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा कितने घायल हो गए, चार मृत्यु 20 घायल। पुलिस कमिश्नर, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर होता, देखिए कौन, पुलिस कमिश्नर HG Young, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, HG Young ये रिपोर्ट देता है, ठीक है, इसके जांच की रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट दे करके ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष का कारावास होता है, कितने वर्ष का कारावास, 1.5 वर्ष का कारावास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जयपुर रियासत का प्रथम मामला, देखो रियासत तो जयपुर है ना, सिकर नहीं है, रियासत जयपुर है, तो जयपुर रियासत का प्रथम मामला जिसमें क्या होता है, किसान की हत्या के बदले, यानी किसी ठाकुर यानी ठिकानेदार को सजा होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात ध्यान रखना, किसान की हत्या के बदले यानी किसान की हत्या करने पर किसी ठिकानेदार की क्या होती है, सजा होती है। जयपुर रियासत का ये एक पहला, है ना, अपने आप में अनूठा मामला है, 1.5 वर्ष की सजा होती है किसको,
ईश्वरी सिंह को, ईश्वरी सिंह क्या करते हैं किसानों पर हमला करवाते हैं। ये बात आपकी कब की है, 21 जून 1934 की है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी तारीख याद रखनी होगी, है ना। ये दोनों घटनाएं साथियों कब की है, 34 की है। ऊपर वाली दोनों घटनाएं 34 और 34, ठीक है। इसमें तारीख कितनी थी ये आप साथ साथ में याद करते जाना, 25 अप्रैल ये 21 जून, ठीक। अगली देखिए, खूड़ी गांव की घटना साथियों, खूड़ी गांव की घटना की चर्चा करोगे तो 24 मार्च 1935 की है। यहाँ पर क्या होता है कि एक जाट दूल्हा, एक विवाह होता है गांव में, तो एक जाट दूल्हे को साथियों घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से इनकार कर दिया जाता है, मारने से मना किया जाता है, ठीक है, मारने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है उसको, घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और रत्ना नामक महिला की, यहाँ पर एक रत्ना नामक महिला आती है, उसकी क्या काट दी जाती है साथियों, गर्दन काट दी जाती है। और इस कारण क्या होता है, किसान क्या देंगे, धरना देंगे, और किसान धरना देते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है वेब, जिसकी चर्चा हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं, वेब और ग्लेसी, ठीक है, जो कि प्रशासक मानसी नियुक्त किए गए थे, तो ये भी ध्यान रखना। तो अंग्रेज अधिकारी वेब गोलियां चलवाई और इस कारण यहाँ पर 4 की तो मौत हो गई और 100 किसान कहते हैं कि घायल हो गए। गोलियों का जो कांड था काफी भयानक था। खूड़ी गांव की घटना साथियों, जब भी आप लोग रतनगढ़ से सालासर के मध्य जाते हो तो बीच सड़क पर ये गांव स्थित है, ठीक है, खूड़ी गांव, 24 मार्च 1935, जाट दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से क्या, बैठकर तोरण मारने से रोक दिया गया और यहां पर गोलियां चलवाई गई, 4 की मौत, 100 के आसपास घायल हो गए। और ये कहानी थी आपके किसकी, यानी खूड़ी गांव की, ठीक है। तो ये तीसरी कहानी पूरी हुई और चौथी और भयानक कहानी है, कुदन गांव की घटना साथियों, कुदन गांव की घटना। और ये कुदन गांव 25 अप्रैल 1935 की बात है। और यहां पर भी एक पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद हुसैन, क्या नाम होता है, मोहम्मद हुसैन। और ये क्या चलवा देता है साथियों, यहां पर गोलियां चलवा देता है, यहां पर 12 मौत होती है, अनेक किसान क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और साथियों साथ साथ में है ना एक दो गांव और है, एक का नाम है मोठरा गांव है मोठरा, एक का नाम है पल थाना सीकर है ना। तो इन गांवों में, इन गांवों को भी क्या कर लिया जाता है साथियों, लूटा जाता है, इन है ना, इन गांवों को भी क्या किया जाता है, लूटा जाता है। इस लूट के विरोध में, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस लूट और ये घटना के विरोध में किसान क्या करते हैं साथियों, किसान मनाते हैं 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा सिक्कर दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 26 कब मनाया गया, 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया, 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन घटनाओं के बाद में किसानों ने विरोध में, और अंत में क्या होता है साथियों, धीरे धीरे किसानों की यहाँ पर 35 के बाद धीरे धीरे मांग कम हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं 35 को समाप्त हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं 38 को समाप्त होता है, और लास्ट में ये एक तरीके से पूरी तरह से समाप्त 1946 को होता है, हीरालाल शास्त्री के, यानी कि हीरालाल शास्त्री के माध्यम से आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा साथियों, शेखावटी किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वापिस हम इस पूरे किसान आंदोलन पर नजर दौड़ाएं तो आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, एक तो देखिए शेखावटी सिक्कर वाली बात हमने कर ली, 22 को ये शुरू है, ठिकानेदार कल्याण सिंह बनते हैं और किसानों के ऊपर 25 से 50% कर बढ़ा दिए जाते हैं। फिर हमने चर्चा की, आंदोलन शुरू हो जाता है, लाल सिकर्रा, रामनारायण चौधरी, इसकी चर्चा हमने कर ली। और ये यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंदोलन है, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ पर भी क्या है ये आंदोलन, मतलब इसकी आवाज़ गूंजती है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर कोई आ जाए तो ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी आवाज़ है ना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन तक पहुंच गई थी, इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, क्षेत्रीय जाट महासभा भी याद रखना, और एक आप जाट प्रजापति महायज्ञ भी याद कर लेना, और फिर कटरा थल की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद कैसे करोगे चारों को, 25 अप्रैल, देखो इनको तारीख याद कर लो, 25 अप्रैल 21 जून, ठीक है। तो कटरा थल, उसके बाद कौन से गाँव की, कटरा थल, देखो सबसे पहले कटरा थल, उसके बाद जयसिंहपुरा गांव, दोनों की, कटरा थल जयसिंहपुरा गांव, ठीक है। ये ध्यान रखना 25 अप्रैल 21 जून, ठीक, आगे 34 दोनों। उसके बाद इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करो, खूड़ी गांव की घटना है, खूड़ी गांव और कुदन गांव, खूड़ी गांव और कुदन गांव, ये दोनों है, तो इनकी भी तारीख याद कर लो, एक 24 मार्च और एक आपका 25 अप्रैल, 24 मार्च और 25 अप्रैल, एक महीने बाद, ठीक है। तो 24 मार्च 25 अप्रैल, 35 35, इन दोनों को याद कर लो। तो ये थी 4 महत्वपूर्ण घटना, पूछी जा सकती है इनमें से कोई भी घटना, प्रश्न क्या आएगा, ऐसा आएगा कि
जयसिंहपुरा गांव की घटना किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल स्वाभाविक सा है, आपने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की क्लास भी पसंद आएगी साथियों। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मैं जल्दी फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना साथियों, थैंक्स।